भिंड जिले के एक दर्जन युवाओं ने जिले के लोगों की बेटियों के प्रति सोच बदलने का 3 साल पहले बीड़ा उठाया था और कीरतपुर एसोसिएशन मैनेजमेंट ऑफ पॉवर्टी नाम से संस्था का निर्माण कर बेटियां पैदा होने वाले घरों के लोगों से संपर्क कर ढोल नगाड़ों के साथ और फूलों से घरों को सजाकर बेटियों का गृह का प्रवेश कराने का कार्यक्रम शुरू किया था। आज केम संस्था द्वारा महगांव के चौधरी सुशील शर्मा के घर पैदा हुए बिटिया का 60वीं बेटी के रूप में लक्ष्मी की तरह गृह प्रवेश कराकर जिले भर के लोगों के बड़े स्तर पर बेटियों के प्रति सोच परिवर्तन करने का काम किया है। दरअसल बीते कुछ सालों पहले तक भिंड जिले लिंगानुपात में भारी अंतर था। यही अंतर लोगों की सोच में भी दिखाई देता था। शिक्षा के क्षेत्र में बेटियों की हायर एजुकेशन में काफी कमी थी। जिले के ज्यादातर लोग प्राइमरी या मिडिल तक पढ़ाने के बाद या तो बेटियों की शादी कर देते थे या फिर से घर पर बिठा लेते थे। कुछ गाँवों में तो बेटियों को पैदा होते ही मार दिया जाता था। अब वक्त बदल रहा है, आज लोग बेटियां पैदा होने के बाद जश्न मनाने लगे हैं। ऐसा ही जश्न एक नज़ारा भिंड जिले के महगाव में देखने को मिला, जहां पर महगाव निवासी सुशील शर्मा और रागनी शर्मा को 16 सितंबर को कन्या रूपी लक्ष्मी घर की नई सदस्य बनकर उनके जीवन में आई और रविवार को ग्वालियर के एक निजी अस्पताल से छुट्टी होकर जब लाडली लक्ष्मी घर पहुंची तो कैंप संस्था द्वारा महगांव स्थित उनके निवास पर रास्ते में फूल माला तुलादान पैरों की छाप आदि कार्यक्रम को गाजे बाजे के साथ संपन्न कराया गया। यह ऐसा जश्न था जिसे देखने के लिए भी लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। गौरतलब है कि नई लक्ष्मी के दादा प्रदीप शर्मा के मुताबिक उनके परिवार में ये कन्या रूपी रत्न 50 साल बाद आया है। इस भव्य स्वागत के लिए उन्होंने कैंप के सदस्यों से संपर्क कर उनको अपने यहाँ आमंत्रित किया, जिसको कैंप संस्था के सदस्य सहर्ष स्वीकार करते हुए भिंड से महगा पहुंचे। करीब 3 घंटे की तैयारी और लाडली लक्ष्मी के गाजे बाजे के साथ गृह प्रवेश कराया। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चियों के प्रति लोगों में समाज में बदलाव आए, इस उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए हमने छोटी सी मुहिम चला रखी है जिसको नाम दिया है नन्ही परी स्वागत महोत्सव। और इसके अंतर्गत क्या करते हैं, जब भी कोई बच्ची जन्म लेती है तो उसका चिकित्सालय से जब भी वो डिस्चार्ज होती है, पहली बार जब वो घर आती है तो उसका प्रथम गृह आगमन पारंपरिक तरीके से करते हैं, जिसमें उसके परचिन्हों की छाप ली जाती है, तुलादान और कलश आचमन जैसे कई कार्यक्रम हमने आयोजित किए, रूपरेखा बनाई है। इसका कारण ये है कि जब लोग इसको देखेंगे, हम जिस भी जगह करते हैं इस कार्यक्रम को, तो वहाँ से दूसरे व्यक्ति उससे प्रभावित होते हैं और ऐसे कार्यक्रम निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। और आज 60वीं कन्या का स्वागत किया गया है अभी तक संगठन के माध्यम से, और पहली कन्या जो है महंगाव में पहली बार जो है आज हम आए हुए हैं बड़े भाई सुशील शर्मा जी की जो बच्ची हुई है उसके स्वागत के लिए, तो पहला कार्यक्रम आज महंगाव में। समाज में जब हम घूमते हैं तो इस चीज़ को हमने नोटिस भी किया, सभी ने सब जहाँ तक ऑब्जर्व कर लेते हैं, जब भी बच्चा जन्म लेता है तो लोगों के अंदर उत्साह और खुशियाँ अलग ही दिखाई देती हैं और बड़ा महोत्सव होता है। तो एक दिमाग में आया कि बच्चियों के लिए लोग क्यों नहीं करते, तो इसको करना कैसे है लोगों को, उसको जागरूक करने के लिए छोटी सी मुहिम चलाई जिससे लोग प्रभावित हों। इस कार्यक्रम में बहुत ही छोटे खर्चे में ये कार्यक्रम अरेंज होता है, इसमें मेन खर्चा होता है फूलों का और बच्ची के तुलादान का एक कार्यक्रम होता है जिसमें बच्ची के वजन के बराबर कुछ भी तुलादान कर देते हैं जो गरीबों में बांट सकें। तो अब कार्यक्रम को क्या है, खर्चा जब भी ऐसा कोई परिवार मिलता है जो उस खर्चे को भी वहन नहीं कर पाता है तो वो पूरा खर्चा हमारे संगठन आपसी कॉन्स्टिट्यूशन से करता है, और जब कोई ऐसा परिवार मिलता है जो कर सकता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि संगठन ना करते हुए परिवार उसकी खर्चे की जिम्मेदारी ले। टाइमेट के लिए भिंड से सुनील शर्मा की रिपोर्ट।